हाय गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। आज की वीडियो अगेन हम लोग स्ट्रिक्स के पोर्शन में से लेकर आए हैं एंड आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हैं आपके वो डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस किए थे एंड आई होप गाइज कि आपको वो क्वेश्चन जो हैं वो आपने वो चीज़ें पढ़ी हों और आप उनका आंसर जो हैं वो दे पाएँ। और आज की वीडियो भी वैसी ही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। और पहला जो क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है दैट इज द हिंदू सक्सेशन एक्ट एनश्योर द, आपको याद होगा हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है दैट राइट टू प्रॉपर्टी टू चिल्ड्रन, के जो बच्चे होंगे पेरेंट्स के उनको प्रॉपर्टी जो है उनको मिलनी चाहिए। राइट टू प्रॉपर्टी टू वोमेन, या वोमेन को भी प्रॉपर्टी जो है वो मिलनी चाहिए। सी राइट टू प्रॉपर्टी टू अडल्ट, या जो हमारे अडल्ट हैं उनको जो है वो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। या ऑप्शन डी दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी टू सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन होते हैं घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको जो है वो राइट जो है प्रॉपर्टी का मिलना चाहिए। सो गाइज, सक्सेशन एक्ट के अंदर जो है वो बात की गई थी वोमेन्स के बारे में कि जितना हक एक मेल का अपने पेरेंट के प्रॉपर्टी में होता है अगेन वोमेन का भी उतना ही जो है वो राइट होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर ये बात हुई है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर के वोमेन्स को भी उनकी प्रॉपर्टी में, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में बराबरी का हक जो है वो मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़े, द वर्ड सोशल इनइक्वालिटी मीन्स, सोशल इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है। सोशल मीन्स सोसाइटी, इनइक्वालिटी मीन्स जो भेदभाव होते हैं सोसाइटी में। ठीक है, इक्वालिटी के बेस पर अगर मैं बोलूंगा तो बराबर, इनइक्वालिटी होगा तो जहां पर चीजें बराबर नहीं है। तो सोशल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए आपको कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड, जो हम लोग लड़का और लड़की में जो भेदभाव करते हैं, या आप यूं कह सकते हो कि जो लड़कियों के प्रति, मतलब सोसाइटी में आप देखते हो कि हम लोग लड़कियों को इन्फीरियर मानते हैं, है ना, एक गैप जो है लड़का और लड़की में जो है हम लोग क्रिएट करते हैं, क्या उसको हम लोग सोशल इनइक्वालिटी कहते हैं। सैड कंडीशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास, जो हमारी सोसाइटी की डिप्रेस्ड क्लास है, ठीक है, क्या उनकी जो सैड कंडीशन है, जो वो बैड कंडीशंस में रह रहे हैं, या जिस प्रकार से आए दिन वो लोग अपनी कास्ट को लेकर जो है उनके साथ जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या वो जो है वो सोशल इनइक्वालिटी का हिस्सा है। ऑप्शन डी आपके, सी आपके लिए आ रहा है दैट इज कास्ट सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या ये है, या ऑल ऑफ द अबो। सो गाइज, सोशल इनइक्वालिटी में मैं कहूंगा ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज इन तीनों चीजों का पाया जाना ही सोशल इनइक्वालिटी का जो है वो हम कह सकते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी है। कैसे, अगर जब आप लड़का लड़की में भेदभाव करते हो तब भी आपकी सोसाइटी इक्वल नहीं है, अगर आप क्लास के बेस पर, कास्ट के बेस पर एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हो तब भी आप लोग कहोगे कि सोशल इनइक्वालिटी वहां पर है, मीन सोसाइटी में सब लोग जो हैं वो बराबर नहीं है। एंड कास्ट सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन, जो हम कास्ट के बेस पर या कलर के बेस पर या क्रीड के बेस पर किसी भी चीज़ के लेकर जो हम भेदभाव आपस में रखते हैं, उन सब चीज़ों की वजह से सोशल इनइक्वालिटी जो है वो पाई जाती है। अगर हम कहेंगे सोशल इक्वालिटी, तो सोशल इक्वालिटी क्या होगा, जहाँ पर हर लोग, आप जो है भेदभाव ना करो आपस में, है ना, जहां आप किसी को उसके कलर के बेस पे ना जानो, उसके कास्ट के बेस पे ना जानो, उनके जेंडर के बेस पे ना जानो। अगर आप बिल्कुल इन चीज़ों से किसी, आप एक दूसरे को जान रहे हो, या अगर आप देखते हो कि सोसाइटी में ये चीज़ें ज़्यादा हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़े, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है। देखिए, इकोनॉमिक का मतलब सिंपली आप याद रखो अमीर गरीब, है ना, सिंपल पैसे को लेकर जो इनइक्वालिटी होगी। सो इनमें से बताइए, देखिए डिवाइडिंग द सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव्स नॉट, ये आपने, चलो मैं बाद में बताता हूँ, सोशल डिप्रेस्ड क्लास और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, या जो सोशली डिप्रेस्ड क्लास होती हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होती हैं। इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप ऑफ लैंड, या जो इनइक्वालिटी है ओनरशिप को लेकर लैंड की, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि सबके पास इक्वल
जो है लैंड नहीं है, किसी के पास 10 जो है कनाल ज़मीन होती है, किसी के पास 2 कनाल है, किसी के पास 3 कनाल है। तो अगर आप इस बेस पर देखो तो आप देखोगे कि लैंड भी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो इक्वल नहीं है, इट इज़ इनइक्वल, ठीक है ना, अनइक्वल कह दीजिए आप। लैंड है ना सबको बराबर नहीं है। अगर आप अपने जहाँ पर आप रहते हो अगर आप आस पड़ोस में देखो तो किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम ज़मीन है, ठीक है। एंड ऑप्शन डी इज़ द ऑल ऑफ अबो। तो गाइज मैं कहूँगा डी ऑप्शन इज जो है वो सही है, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबो। अब मैं आपको बताता हूँ हैव्स और हैव्स नॉट क्या है। ये हैव्स और हैव्स नॉट का कंसेप्ट दिया है कार्ल मार्क्स ने, ये याद रखना। कार्ल मार्क्स ने हमेशा जो है वो बात की है अमीरी और गरीबी की। इन्होंने बोर्जियस और पोलित्रेत की बात की है। इन्होंने कहा है कि एक के पास होता है और दूसरे के पास नहीं होता है। जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसा, उनको हम हैव्स कहेंगे, एंड जिनके पास नहीं है उनको हम लोग हैव्स नॉट कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट था, ठीक है ना। एंड सोशली डिप्रेस क्लास और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, और आप देखोगे कि जो सोशली डिप्रेस क्लास हैं, ठीक है ना, जो एससीज़ एसटीज़ जो हैं उसको हम उनको हम डिप्रेस्ड क्लास कहते हैं, और कहते हैं कि उनके पास वो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, बिल्कुल है ना, क्योंकि इनका शोषण जो है वो काफ़ी लंबे समय से हुआ है। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना तब जाकर इन लोगों को जो है वो क्या किया गया, सोशली जो है डिप्रेस्ड क्लास जो है वो घोषित करते हुए इनको रिजर्वेशन जो है वो देना स्टार्ट किया गया। आज भी आप देखते हो जिस एग्ज़ाम के लिए, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप देखते हो कि रिजर्वेशन का प्रोसेस होता है। रिजर्वेशन बेसिकली इन लोगों के लिए है ताकि ये लोग भी अपलिफ्टमेंट हो सके, बिकॉज ये एक लंबे समय से जो है वो एक्सप्लॉइट होते आ रहे हैं, तो अब इनको जो है वो रिजर्वेशन दी जा रही है ताकि ये भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का उसके साथ कंपीट कर सकें, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो है मैं उसके साथ जाऊंगा, और ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर एंटी सोशल प्रैक्टिस। बताइए इनमें से एंटी सोशल प्रैक्टिस कौन सी है। एंटी सोशल प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस जो आपकी सोसाइटी के लिए हानिकारक है, आपकी सोसाइटी के लिए खतरे का निशान है, जिसमें से होर्डिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, स्मगलिंग है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो बाकी को अगर हम देखें, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग देखें, तो ये सारी की सारी जो है वो एंटी सोशल प्रैक्टिस हैं, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़कर। बेरोजगारी कोई जो है वो कोई एंटी सोशल प्रैक्टिस नहीं है, कोई खतरा, मतलब मैं कहूंगा एक आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मतलब ये जो है वो प्रैक्टिस क्या, एंटी सोशल प्रैक्टिस क्या कहोगे, जो सोसाइटी में, जो सोसाइटी को खराब करेगी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो सोसाइटी को खराब करेंगी, जबकि आप अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हो, इट्स नॉट ए क्राइम एक्चुअली। बाकी चीजों को देखें तो वो एक क्राइम माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें तो ऑल द ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड ऑल आर इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, दिस वॉज प्रोक्लेम्ड इन द, ये किस में कहा गया था कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो फ्री बॉर्न हैं, उनको जो है बॉर्न टू फ्री हैं ये, एंड साथ ही साथ कहा गया था कि इक्वल हैं, सबकी डिग्निटी जो है वो इक्वल है और सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ये प्रोक्लेमेशन किस में दिया गया है, क्या ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम दिया गया था, अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम में दिया गया था, मैग्ना कार्टा जो है उसमें कहा गया है, या डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब हुआ था उस टाइम पर ये बात की गई थी, ठीक है ना। अगर आप जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर भी देखो तो राइट्स का कंसेप्ट हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर ही मिला था, एंड उससे पहले भी अगर आप देखो तो अमेरिका जैसी कंट्री थी जब वो आज़ाद हुई थी ब्रिटेन के हाथों, और उन्होंने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था तो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स अपने लोगों को शुरू से ही दिए थे, ठीक है ना। सो जब डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ कि इंसान के लिए कौन कौन से हकूक जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, या कौन कौन से राइट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उसी को हम डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं। और उसी टाइम पर बात की गई थी कि हर एक इंसान इस दुनिया में बॉर्न फ्री है, वो फ्री आता क्या, मतलब कोई पैसे तो नहीं ना देता है कि, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो पैसे देते हैं कि भाई हमारा बच्चा आएगा, है ना, खरीदना बच्चा खरीदते हैं। एंड उन्होंने कहा था कि हर एक की डिग्निटी होती है और सबको राइट्स मिलने चाहिए। ये किस में कहा गया है, ये कहा गया है आपका जब ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन हुआ था। क्लियर हुआ गाइस ये चीज़ आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से बताइए क्या चीज़ करेक्ट है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज कम्प्लीटेड विदाउट सोशल डेमोक्रेसी, कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को आप कंप्लीट कर सकते हो, पा सकते हो विदाउट सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। दूसरा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट, कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट है जब तक आप सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना करो या ना पाओ।
पहले आपको इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी पानी पड़ेगी, तब जाकर आप कहोगे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, या सी ऑप्शन आपसे कह रहा है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विद सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, या नन ऑफ द अबो गाइज। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या बन रहा है? अगर आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है सही से, तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या है। बिल्कुल राइट आंसर इसका बन रहा है ऑप्शन बी, दैट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक नहीं आएगी जब तक ना आप अपने लोगों को सोशली और इकोनॉमिक डेमोक्रेट करोगे। सबसे पहले आपके लिए डेमोक्रेसी, जैसे हम कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी क्या होगा, डेमोक्रेसी होगा जो जहां पर लोगों के विचारों को जो है मद्देनजर रखते हुए हर चीज की जाएगी। तो आप सोशली और इकोनॉमिकली पहले डेमोक्रेसी लाइए, फिर आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जो है वो इजीली पा सकोगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन, अब आप सिंपली अगर आप डेफिनेशन भी अगर आपको गवर्नमेंट की पता होगी, डेमोक्रेसी की आपको अगर डेफिनेशन भी पता होगी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बताइए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? जो माइनॉरिटी राइट्स और मेजॉरिटी रूल होता है, मेजॉरिटी राइट्स एंड माइनॉरिटी रूल होता है, या मेजॉरिटी रूल ओनली माइनॉरिटी राइट्स ओनली? तो बताइए गाइस इसमें से सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या बन रहा है आपका? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माइनॉरिटी राइट्स एंड मेजॉरिटी रूल। ठीक है, क्या है इसमें? माइनॉरिटी के राइट्स होते हैं और मेजॉरिटी जो है वो रूल करती है। क्लियर है गाइस? ये ऑप्शन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े तो हु गॉट द क्रेडिट ऑफ गिविंग अस द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कंसेप्ट देने वाले हमें कौन थे? क्या वो ग्रीक थे, क्या वो ब्रिटिश थे, क्या वो फ्रेंच थे, या क्या वो अमेरिकन थे? सो गाइज, आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी इज अ ग्रीक वर्ड, है ना? तो ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। एंड ग्रीक जो अगर आपने थ्योरी पोर्शन पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस का, तो आप देखोगे कि बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं पॉलिटिकल साइंस के, दे कम फ्रॉम दिस कंट्री कॉल्ड ग्रीस, है ना? जैसे प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं, मैकवली हैं, जॉन लॉक हैं, हॉब्स हैं, रूसो हैं, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स आपको मिलेंगे जो ग्रीक कंट्री से बिलोंग करते थे और जिनकी प्रोमिनेंट थ्योरीज हैं रिगार्डिंग पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखें तो मॉडर्न डेमोक्रेसी बिगेन इन, मॉडर्न डेमोक्रेसी की शुरुआत कहां पर हुई थी? ऑप्शन ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, या डी गाइज एशिया। सो गाइज याद रखिएगा, जो आपकी मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसकी शुरुआत हुई है यूरोप में। ठीक है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लो, है ना, बाकी रेवोल्यूशन देख लो, तो वो सारे के सारे यूरोप में ही तो हुए हैं एंड यूरोपियन कंसेप्ट्स हैं। सो वी गॉट द मॉडर्न डेमोक्रेसी कंसेप्ट फ्रॉम यूरोप। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द लाइट हाउस ऑफ डेमोक्रेसी इज, लाइट हाउस क्या है डेमोक्रेसी का? पब्लिक ओपिनियन, द प्रेस, इलेक्शन और पोलिटिकल पार्टीज। सो गाइज, इसमें तो सोचने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। लाइट हाउस ही क्या है हमारे इसका? द पब्लिक ओपिनियन। क्या है? लोगों के विचार, लोगों की सोच, लोग क्या चाहते हैं, लोग कैसे चल रहे हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, सो द पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक रूल। आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो टिकी हुई है इन तीन वर्ड्स के ऊपर, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी के ऊपर। तो गाइस, ये जो वर्ड है, ये प्रिंसिपल है, ये कहां से आए हैं? ये जो तीन वर्ड्स हम कहते हैं कि आज मॉडर्न डेमोक्रेसी इन तीन वर्ड्स के ऊपर टिकी हुई है, तो इन तीन वर्ड्स की इन्वेंशन जो है वो कहां से हुई है? योर ऑप्शंस आर अमेरिकन रेवोल्यूशन, बी फ्रेंच रेवोल्यूशन, सी ग्लोरियस रेवोल्यूशन, या डी रशियन रेवोल्यूशन। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था दैट दे कम फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन ये वर्ड्स हमें मिलते हैं, इनको हम गिफ्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है दैट वी गॉट द गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या मिला था हमें, ऑप्शंस दे सकते हैं आपको। सो याद रखिएगा, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी जो हैं, ये तीन वर्ड्स जो हैं जो जिस पर आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी पूरी की पूरी टिकी हुई है, तो ये हमें देने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन ही था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन्स द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम।
आपको आपको जो रिलीजियस फ्रीडम दी जाती है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंदर आता है? योर ऑप्शंस आर 25 टू 28, 29 टू 30, 32 टू 35 और 23 टू 24. सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 25 टू 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स डील विद द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम. ठीक है, क्लियर है ये? चलिए, हु आर डिबेयर्ड फ्रॉम वोटिंग, किन लोगों को हम लोग डिबेयर करते हैं या बैन करते हैं वोटिंग करने से? मेंटली अनसाउंड पीपल, बैंकक्रप्ट पीपल, बोथ ए एंड बी और डी, नन ऑफ दीज. सो गाइज, याद रखिएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दैट इज आपके जो मेंटली अनसाउंड पीपल होते हैं उनको भी वोट देने का कोई हक नहीं है, एंड जो बैंकक्रप्ट पीपल हैं उनको भी कोई हक नहीं होता है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. वो लोग जो है वो वोटिंग नहीं दे सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, कौन से आर्टिकल में बात की गई है अनटचेबिलिटी की? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आर्टिकल 18, बी 15, सी 14 और डी 17. सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बन रहा है आपका आर्टिकल जो है आपका सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या बन रहा है? 14 का आंसर बन रहा है डी, दैट इज आर्टिकल 17 जो है वो बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़े तो व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस आर 18 इयर्स, 25 इयर्स, 19 इयर्स और 20 इयर्स. और गाइस, इसका राइट आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 25 इयर्स. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड को क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. एंड नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा, लोकसभा में कितनी सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो डिप्रेस्ड क्लास हैं उनके लिए रिजर्व रखी गई हैं इन लोकसभा में? योर ऑप्शंस आर 49, 79, 50, 80, 84, 47, 49 एंड 50. सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 84 एंड 47 जो है ये इतनी सीट्स जो हैं वो रिजर्व रखी गई हैं एससीज और एसटीज के लिए. एससीज के लिए 84 है एंड एससीज के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 है एंड शेड्यूल कास्ट के लिए 84 है. व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट, सुना होगा आपने इलेक्शंस के टाइम बड़ा वर्ड यूज होता है कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया. कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाई पोलिटिकल पार्टीज, के पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ गाइडलाइंस और नॉर्म्स को फॉलो करना है. कंडीशन इन विच ऑल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, या वो कंडीशन जहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे. इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द प्राइम मिनिस्टर, या जो प्राइम मिनिस्टर अपनी इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं वो है. इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द प्रेसिडेंट, या जो प्रेसिडेंट जो है वो जो अपनी इंस्ट्रक्शन इशू करते हैं वो है कोड ऑफ कंडक्ट. सो बेसिकली गाइस, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कुछ नॉर्म्स है ना, पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है ड्यूरिंग जो इलेक्शंस होते हैं. जैसे अनाउंसमेंट हो जाएगी इलेक्शन, उसके बाद कुछ टाइम होता है जब वो लोग फंडिंग नहीं कर सकते हैं, जब वो पब्लिक के जो कोई भी इनॉग्रेशन है काम की वो नहीं कर सकते हैं, तमाम उनकी जो पावर्स हैं वो रद्द की जाती हैं. ठीक है ना, ताकि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर में हो सके. अब कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा हो गई वो इलेक्शन के टाइम पे आपके एरिया में आके रोड्स बना दे, ये कर दे, वो कर दे, तो हर बार तो वही जीतेगा ना. तो एक फिक्स टाइम होता है जब उनकी पावर्स को उनसे लिया जाता है एंड दे डोंट, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखें तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, बताइए. इसका तो सोचने का भी बिल्कुल टाइम नहीं है, फटक से आपके पास आना चाहिए, दैट इज इलेक्शन कमीशन. ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं या इलेक्शन कमीशन जो होता है, इसमें कमिश्नर लिखा हुआ है बट इट्स कमीशन. ठीक है, सो कमीशन जो होते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं इंडिया में. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखें, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया,
चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या द गवर्नर। सो गाइज याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के साथ जो है प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हेड करते हैं इलेक्शन कमीशन को। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखें तो टोटल नंबर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर, यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर्स हैं? योर ऑप्शंस आर 190, 192, 191, 193। सो गाइस इसमें टोटल नंबर हैं 193। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि लास्ट कंट्री जो जिसने यूएन को ज्वाइन किया था वो कौन सी थी और इंडिया ने कब इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में बताओगे गाइस। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आज हम आपके लिए लेकर आए थे। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो आपने पढ़े हों, ये टॉपिक्स आपने अच्छे से पढ़े हों और आपके जो स्कोर हैं वो 20 में जो है 15 प्लस ही होना चाहिए। बट मैं तो कहूँगा कि 20 में आउट ऑफ 20 ही होना चाहिए, लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं बहूँ तो 15 प्लस ही आपका स्कोर जो है वो होना चाहिए। अगर आपकी तैयारी में कोई कमी है, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे जो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दिए गए हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम पे जो चैनल है आप वहाँ हमारे साथ जो है रابطہ कायम कर सकते हो। ठीक है ना, कोई किसी भी स्टडी को लेकर अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको क्लियर करना है। एंड अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ जाएं वीडियोस को देखें एक बार, उन चीज़ों को समझें अच्छे से, अपने जो अपने नोट्स आपने बनाए हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, अब एग्ज़ाम जो है वो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं गाइस, बिल्कुल भी जो है अब आपने लापरवाही नहीं करनी है। आप अपनी स्टडी में थोड़ा सा बूस्ट कीजिए अपनी स्टडी को, एंड रेगुलरली जो है चीज़ों को पढ़ते रहिए ताकि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपका अच्छा जो है वो स्कोर रहे एंड आपको अच्छी जॉब जो है वो मिल जाए। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइज।